नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डीडी स्पोर्ट्स पर। 37th नेशनल गेम्स गोवा 2023। जी हम हैं इस टाइम कुजिरा बांबोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहां खेले जा रहे हैं रग्बी के मुकाबले। विमेंस का यह मुकाबला है, ओडिशा और बिहार के बीच में पूल मैच है। दो पूल में बांटा गया है टीमों को। टॉप 8 टीमें जो होती हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। स्क्वाड पर नजर डालते हैं ओडिशा की। हुपी माझी कैप्टन हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, मामा नायक हैं कविता कस्तूरी, ड्योमिनी है, तारुलता है, निर्मला है और पार्वती हैं। और इसी के साथ किक ऑफ। आज इन खेलों का ये पहला दिन है। 26 तारीख को आधिकारिक उद्घाटन होगा कल यानी कि, और 9 नवंबर तक ये खेल चलेंगे। ये शुरुआती बढ़त लेने की बहुत कोशिश। एक बार फिर देखिए कैसे बढ़ा रही है, और इस बार निश्चित तौर पर ये ट्राई लाइन से क्या रोक पाएंगी? जी नहीं। और 1 मिनट भी अभी नहीं बीता है, उससे पहले ही अंक बटोरने में कामयाबी। अभी देखना होगा स्कोरबोर्ड पे हलचल। खेल में थोड़ा व्यवधान सा उत्पन्न हुआ है, ड्रिंक्स को मंगवाया गया था। ग्रीन और ऑरेंज में है ओडिशा की टीम और बिहार है येलो और ब्लैक में। ओडिशा के 5 अंक जुड़ चुके हैं स्कोरबोर्ड पर। और इसी के साथ एक बार फिर ये शुरुआत कन्वर्जन के लिए नहीं गई, लगा के शुरुआती क्षण है। और ओडिशा को जो है वो गढ़ माना जाता है, रग्बी का डिफेंडिंग चैंपियन है। केरल में जो नेशनल गेम्स हुए थे उसमें भी और पिछले साल गुजरात के अहमदाबाद में भी गोल्ड मेडल इस टीम ने जीता था। और यहां पर भी आप देख सकते हैं कि शुरुआती क्षणों में ही 5 अंक बटोरकर निश्चित तौर पर अपनी दावेदारी लगभग ठोके दी। और इस बार ये स्क्रम के जरिए एक बार फिर खेल शुरू होते हुए विसिल बहुत बढ़िया तरीके से आगे। इस बार क्या दोबारा कामयाब हो पाएंगी? जी हाँ, बहुत बढ़िया प्रेस करने की कोशिश थी, टैकल किया है और फिर खूबसूरती से पास कर दिया है। देखना होगा ट्राई, लेकिन उसी के साथ ही रेफरी का इशारा। एक मेन रेफरी होता है और 2 असिस्टेंट रेफरी। और एक बार फिर ये स्क्रम के जरिए खेल को शुरू करवाया जाता है जब आप कोई फाउल कर देते हैं। ये देखिए दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के पास ये मौका होता है कि बॉल को अपने पोजीशन में लें। और इस बार एक बार फिर ये कोशिश बिहार की है, बिहार की ओर से ये जवाबी हमले की तैयारी। जी हाँ, देखना होगा क्या ये रक की स्थिति बनेगी या नहीं। बहुत बढ़िया रग्बी की खूबसूरती ये कि आप पीछे से रोक सकते हैं, अपने खिलाड़ी को खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, लेकिन सामने से नहीं। और यहाँ पर दोनों ही टीमों के समर्थक सपोर्टर निरंतर उत्साह वर्धन करते हुए और विसल के साथ ही ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शुरुआत। अगर सामने वाला खिलाड़ी गलती करता है तो पेनल्टी इस बार नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल ये गोल पोस्ट के पास ही उन्होंने ट्राई किया है, यानी कि अब जो ये 22 मीटर की जो लाइन होती है इसके बीच में से वो कहीं से भी स्वतंत्र हैं 2 अंक और बटोरने के लिए। इस बार कन्वर्जन के लिए जाएंगे। और तालियों की गड़गड़ाहट से पता चलता है के 2 अंक और ओडिशा ने अपने नाम कर लिए हैं। आइए एक नजर डाल देते हैं बिहार के स्क्वाड पर। कैप्टन है श्वेता शाही, स्वीटी कुमारी, आरती कुमारी हैं, धर्मशिला कुमारी हैं, सपना है, सुल्ताना है, सोनाली, अर्चना, काजल, गुड़िया, संध्या और प्रियंका। कोच से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि लड़कियों ने इस बार बहुत मेहनत की है, पंकज कुमार जी लगातार प्रयास यही के नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी कन्वर्ट की जाएं। और इस बार देखिए लगातार ये जो
तूफान सा खड़ा कर दिया है ओडिशा की टीम ने, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार एक के बाद एक हमले, दो हाफ हैं, रग्बी सेवन इसीलिए इसका नाम है। अगर क्रिकेट के टेस्ट या वनडे के मुकाबले में बात करें तो ये रग्बी का 2020 आप कह सकते हैं। और इस बार ये रेफरी का इशारा, जी आप रुक जाइए, थोड़ी सी भूल हुई है और देखना होगा ये लाभ किसे मिलेगा, ये बेनिफिट किसे मिलेगा, देखना होगा। इंजरी बड़ी तो नहीं है, क्योंकि अगर है तो रिप्लेसमेंट की सुविधा, 12 का स्क्वाड होता है, 7 खिलाड़ी मैदान में रहते हैं, और अगर लगता है कि इंजरी है तो रिप्लेस कर दिया जाता है खिलाड़ी को, लेकिन फिलहाल ऐसा टाइम ऑन। और ये इस बार फिर एक बार तेजी से आगे बढ़ी हैं ओडिशा की खिलाड़ी, और देखना होगा क्या ट्राई लाइन के पास पहुंच पाती हैं। रोकने की बहुत खूबसूरती से, और ये रक की स्थिति जिसे हम कहते हैं कि आप जब गिर जाता है खिलाड़ी तो एक रक बना लेते हैं ब्रिज, और आप साइड से नहीं आ सकते हैं, पीछे से सकते हैं, लेकिन जो जुझारूपन यहां देखने को मिल रहा है वो निश्चित तौर पर एक उज्जवल भविष्य की जो इबारत है वो हमें स्पष्ट नजर आ रही है। इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन के स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर सैफ उल्लाह खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैफ, स्वागत है आपका कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कौशिक, सबका स्वागत है। 37 नेशनल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप यहां गोवा, ये मैच उड़ीसा और बिहार के बीच में, दोनों हैवी वेट्स ऑफ द टूर्नामेंट। रूम फॉर नो मिस्टेक्स, नो एरर्स, और शानदार रग्बी का प्रदर्शन यहाँ गोवा पंजिम बैम्बलिम स्टेडियम, लाइव डीडी स्पोर्ट्स, मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स चैनल। एंड उड़ीसा 12 बिहार नील। विंग पे बॉल चल चुकी है एंड बोन क्रैकलिंग टैकल, सीधे आवाज उड़ीसा तक पहुंची होगी, क्यों कौशिक जी? जी हाँ सैफ, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जो एक तरीके से अटैक की जो बॉम्बार्ड कर दिया है, धराशायी करने की पूरी कोशिश बिहार की टीम को, पहला हाफ निश्चित तौर पर डोमिनेंट किया है ओडिशा ने, बिहार नील ओडिशा बार है। और निश्चित तौर पर अब ये एक तरफा मुकाबला है, देखना होगा क्या बिहार की खिलाड़ी कोई चमत्कार कर पाती है या नहीं। अंतिम क्षण लगभग, क्लॉक इज टिकिंग एट एवरी सेकेंड। सैफ, दिस इज द स्क्रम। यस मिस्टर गॉड, दिस इज अ स्क्रम एंड फॉर नाउ द ब्यूटीफुल मूव इनटू प्लेस बट लॉस्ट द पोजीशन, द बॉल इज बीन टर्न ओवर, लॉट ऑफ स्ट्रगल इनटू द हाफ ऑफ बिहार, द बॉल स्टिल इन पोजीशन विद उड़ीसा, एंड दैट्स अ टर्न ओवर, शी हैज द पेस, स्टिल इन पोजीशन बिहार, Still time, will they create a larger score Odisha for Bihar to climb, or will Bihar will make an opening in these last moments of the game, first half? के साथ लगातार निश्चित तौर पर ये इस बार हाफ टाइम का हुटर, और जो स्कोर है वो है ओडिशा 12 है बिहार नील। एक मिनट का ये ब्रेक। और इसी के साथ ये एक और ट्राई लाइन, यानी कि 5 अंकों का इजाफा और आपको देखने को मिलेगा ओडिशा के स्कोर में। जी हाँ, इसी के साथ ओडिशा का स्कोर हो गया है 22 बिहार है 5 पर। और एक बार फिर ड्रिंक्स मैदान पर आ चुकी हैं, जानते हैं ये गर्मी कितनी है। इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं ऑलमोस्ट सभी की सभी, अभी एशियन गेम्स में भी इन खिलाड़ियों ने
भारत को रिप्रेजेंट किया था, चाहे वो ओपी माझी हो, मामा नाइक हो, कविता कस्तूरी हो, डुमिनी हो, तरुलता हो, निर्मला हो, पार्वती हो, सब इंटरनेशनल। बहुत बढ़िया खूबसूरती, ये खूबसूरती से टैकल करने की कोशिश थी और गेंद बार बार छिटक जा रही है, पोजीशन जो है वो रखने में कामयाबी खिलाड़ियों को नहीं मिल पा रही है। कुछ चेतावनी आई है रेफरी की, जी हाँ रखिए बॉल को, और ये स्क्रम डेवलप होते हुए ये बिहार के पोजीशन में बॉल आई है। देखना होगा क्या जो रक्षा पंक्ति है ओडिशा की उसको भेजने में कामयाबी मिलेगी या नहीं। जी हाँ पास खूबसूरत है, बेहतरी से तालमेल है, लेकिन गिराया गया लगता है और कुछ विरोध भी दर्ज किया गया है, लेकिन अभी भी बॉल पोजीशन में और ये जो संघर्ष है बिहार का वो कंटिन्यू जारी है। और इस बार ये रक की स्थिति हमें वहां देखने को मिल रही है, ये ब्रिज बना लेते हैं खिलाड़ी बॉल को, लेकिन उतना ही जवाबी खूबसूरती से ये अटैक ओडिशा की तरफ से आगे बढ़ते हुए, और ये लगता है ये तूफान जो ओडिशा ने शुरू से चलाया है जवाब बिहार के पास है नहीं। जी हाँ यहाँ नहीं तो वहाँ, हम तो ट्राई लाइन तक पहुँचेंगे। खूबसूरती से 5 अंकों का इजाफा और ओडिशा के स्कोर में, बहुत जबरदस्त प्रदर्शन यहां कहा जाएगा। और इसी के साथ ये 2 अंक और जुड़ते हुए ओडिशा के खाते में, 27 ओडिशा बिहार 5, और 7 मिनट भी जो है लगता है वो शो पूरे होते हुए, बिल्कुल 14 मिनट का ये खेल और 5 अंक मात्र मिले हैं बिहार को, 27 ओडिशा को। ये बेशक जो राइवलरी होती है दोनों खिलाड़ियों के बीच में, दोनों टीमों के बीच में, खेल के दौरान जो हुआ सो हुआ, लेकिन जब खेल खत्म हो जाता है तो दोनों ही टीमों के खिलाड़ी स्वागत करते हैं दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों का, और ये खेल भावना का एक सुंदर उदाहरण है।